ये तेरा मतलब बुद्धि का फेर है, यह जान वाला है। हनुमान जी के बताए इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस पत्नियों के साथ विभीषण जी वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा धर्म नहीं है। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेद यानी लौटा दिया जाए। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डूबा कर उसे इसकी पूछ में बांध कर फिर आग लगा दो। पूछ हीन बानर ते जाए, तब सतनिज नाते ही ले आई। कोई बात नहीं, अब यानी पढ़ते रहे जब तक। अब सर चले मर तुम चार परम मंदिर लोग सुनाये मौनाथ ने आवा तुम्हारे घर में तुम्हारे सेवा कोई नहीं है, इतना कपड़ा और बीती कपड़ा तुम्हारे बालक कह गए अपने घर की हमारे घर में ये मेरे घर लगा लियो और हाँ जी बिल्कुल मैडम बोल रहे अपनी जोत बजवा लेंगे ऐसे कैसे करते हैं कोई पुनः पैसे तो कर दो तब तक सादा हो तो जाए तो जयंत की कथा करना।